आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल में किसी दूसरे जीमेल आईडी को लॉगिन करके चला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं मोबाइल के होम पेज पे आ जाता हूँ और जो भी है मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा, इसमें कुछ भी स्किपेबल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए एक जीमेल आईडी जो है मेरे मोबाइल में पहले से ही है, लेकिन मुझे दूसरा जीमेल आईडी लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऐड अनदर अकाउंट का, तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड अनदर वाले अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ से सबसे ऊपर में जो दिखाई रहा है गूगल, आपको इस गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का जो भी पैटर्न होगा आपको यहाँ पे डाल देना है, या फिर लॉक होगा या पासवर्ड जो भी। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जो भी जीमेल आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं उस जीमेल आईडी को आप यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। जो भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा और आप ओटीपी डाल देंगे तो इसके बाद आपका जीमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो मुझे पासवर्ड यहाँ पे पता है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर हो सके तो अगर आपका जीमेल आईडी अगर किसी दूसरे मोबाइल में पहले से ऑलरेडी अगर लॉगिन होगा तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज भी जाएगा और वहाँ से फिर वो यस करेगा तभी इस मोबाइल पे लॉगिन कर पाएंगे। अगर वो यस नहीं करेगा वहाँ पे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं और ये जीमेल आईडी दूसरे मोबाइल में नहीं है तो आप इजीली से इसे लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे यस आई एम इन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आई एग्री वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए सक्सेसफुली जो है मैंने यहाँ से दूसरे जीमेल आईडी को अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और मैं अब यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जीमेल आईडी पहले एक ही जीमेल आईडी था, अब यहाँ पे दूसरा जीमेल आईडी जिसको मैंने अभी लॉगिन किया ये यहाँ पे लॉगिन हो गया है। और आप इसको क्लिक करेंगे और ये जीमेल आईडी आपका यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और इसी जीमेल आईडी से आप यहाँ पे अब कोई भी अकाउंट को चला सकते हैं और कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।